हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंदिनीज किचन। आज हमने बनाए हैं ये जलेबी फाफड़ा। आप देख सकते हैं ये फाफड़ा कितना क्रिस्पी बना है और कितना अच्छा बना है। इसकी आवाज ही इतनी बढ़िया आ रही है टूटने की। इतना बढ़िया फाफड़ा बना है ये, और इतनी ही क्रिस्पी हमारी जलेबी बनी है, एकदम रस से भरी हुई। बहुत ही बढ़िया बने हैं हमारे जलेबी और फाफड़ा। आप भी इसे जरूर बनाएं। तो चलिए बनाते हैं जलेबी फाफड़ा। फाफड़ा बनाने के लिए हम लेंगे ये सारा सामान। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप जितना बेसन। ये मैंने मेजर कप से लिया है। आप अपने घर की कोई भी अच्छी बड़े साइज की कटोरी में ले सकते हैं। उसके साथ ही मैंने लिया है इसमें 2 पिंच जितनी ये हींग, और स्वाद अनुसार नमक, और 1/4 टीस्पून जितना अजवाइन, और 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, और जस्ट अ पिंच जितना बेकिंग सोडा जो होता है वो लिया है मैंने। अगर आपके पास पापड़ खार है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में मैंने लिया है 1/4 टीस्पून जितना कुटी हुई काली मिर्ची। ये दरदरी कुटी हुई है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। उसके साथ ही मैंने लिया है इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। ये हम मोयन के लिए लेंगे। बाकी हम लेंगे तलने के लिए तेल। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बाउल, उसमें मैं रख रही हूँ छलनी, और इसमें हम बेसन डाल के इसको छान लेंगे। हमें इसे छान लेना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो सब टूट जाए। फिर हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, कुटी हुई काली मिर्ची, और ये बेकिंग सोडा, हींग और अजवाइन। अजवाइन को हमें हाथ से थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डालना है, जिससे इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फिर इसमें हम डाल देंगे ऑयल। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है। एक आटा गूंथ लिया है हमने, फिर हम इसे ढक के और 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से ये जो बेसन के कण हैं वो भीग जाएंगे और फूल जाएंगे। इसके लिए हमें इसे ढक के रख देना है। 10 मिनट के बाद हम इस आटे को देख लेंगे। ये आटा थोड़ा सा टाइट हो गया है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे वापस गूंथ के और नरम चिकना कर लेंगे। हमें इसे मसलना है 5 से 7 मिनट तक, जिससे ये एकदम सॉफ्ट चिकना हो जाए। इसके लिए हमें बारीक वाला बेसन यूज करना चाहिए, उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। दाने वाले बेसन में ये जब हम इसे फैलाते हैं तो ये इतना फैलता नहीं है। इस तरह से हमें इसे मसल मसल कर चिकना कर लेना है, जिससे हमारे फाफड़े खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे एकदम। इस आटे को मैंने मसल मसल कर चिकना कर लिया है। उसके बाद में अभी हम इसकी बराबर साइज में लोई कर लेंगे। पहले मैं इसके 2 पार्ट करूंगी, फिर हम 1 पार्ट को साइड में रख देंगे और 1 पार्ट से हम इस तरह से लोई बनाएंगे। इस साइज की हमें लोई बनानी है इसकी। फिर हम उसे इस तरह से करके और इसके इस साइज के गोले बना के रख देंगे। इस तरह से थोड़े से ओवल शेप में हमें इसके गोले बनाने हैं। टाइप से जो हमने ये लोई बनाई थी ये बनानी है। और मैंने ये चॉपिंग बोर्ड लिया है वुडन वाला। अगर आपके पास में वुडन वाला रोटी बनाने का जो चकला होता है वो होता है तो आप उस पर भी बना सकते हैं, नहीं तो इस पर भी बना सकते हैं, या फिर आप थाली पे भी बना सकते हैं। इसे हम इस तरह से यहाँ पर रख देंगे और जो हथेली की ये वाली साइड होती है यहाँ से हमें इसको प्रेस करते हुए आगे ले जाना है। इस तरह से हमें इसे प्रेस करते हुए आगे ले जाना है। से हमने इसे बना लिया है। इधर से थोड़ा सा मोटा है तो आप इसे हल्का सा पीछे करके और यहाँ से भी पतला कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें इसे कट करना है तो हम यहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे और उसके साथ ही हमें इसे चाकू से फटाफट उतार लेना है। इस तरह से तो ये इस तरह से फाफड़ा उतर जाएगा। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये लोई रखी है और हमें इसे यहाँ से दबाते हुए आगे ले जाना है।
इस तरह से। फिर हमें इसे चाकू डाल के और यहाँ से इस तरह से उठा के और ये चाकू से हमें निकाल लेना है। ये फाफड़ा बनके तैयार है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप बना बना के रख भी सकते हैं। यहाँ पर तेल गरम हो गया है, हम इसमें डालेंगे फाफड़ा। और इस तरह से हम इसे उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें इसे एकदम स्लो फ्लेम पे ही करना है। बहुत ज्यादा देर तक हमें इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये लाल हो जाएंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हमें सारे फाफड़ा तल लेने हैं। ये हमारे सारे फाफड़े तल के तैयार है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं। अब हम बनाएंगे जलेबी के लिए चाशनी। इसके लिए मैंने ली है यहाँ पर 2 कप जितनी शक्कर। इसमें मैं डाल दूंगी ये शक्कर डूबने जितना पानी, ये करीब 1 कप जितना है। और हमें इसे गैस चालू करके और इसे एक तार की चाशनी बनानी है। डाल रही हूँ 1 पिंच जितनी टार्टरी, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, नींबू के साथ या नींबू फूल भी बोलते हैं। इससे जो हमारी शुगर है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, उसमें दाना नहीं बनेगा, वो बिल्कुल चाशनी इसी तरह की रहेगी। नहीं तो कई बार चाशनी बनने के बाद में वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, जमने लग जाती है वापस। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी केसर, जिसे मैंने भिगो दिया था। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ जस्ट 1 पिंच जितना पीला फूड कलर, जो हमारी जलेबी को एक बहुत ही अच्छा सा कलर देगा। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, अच्छी ब्रांड का, आप वो ही यूज करें। चाशनी ऑलमोस्ट बन चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें ड्रॉप गिर रही है, उसी से हमें पता चल जाता है कि ये एक तार की चाशनी बन गई है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर, जो इसको एक बहुत ही अच्छी खुशबू देगा। आप देख सकते हैं इसमें एक तार बन रहा है, मतलब चाशनी बन के तैयार है। अब हम इसे गैस बंद करके और साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने ये जलेबी का गोल बना के रख दिया था, इसे मैंने फर्मेंटेट किया है। इसे मैंने कल रात को ही बना के रख दिया था। इसके लिए मैंने लिया था 3/4 कप जितना मैदा, उसमें 2 टेबलस्पून जितना बेसन, और इसमें 1/4 कप जितना मैंने दही डाला था। दही हल्का सा खट्टा था, और उसके साथ ही मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाल के और इसे भिगो के रख दिया था अच्छे से फेंट के। मैं इसका मेजरमेंट सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको हमें फर्मेंटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें जलेबी को एकदम क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी बनाना है तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने करके रख दिया था, अब हम इससे जलेबी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ली है एक फ्लैट वाली कढ़ाई, जिसे हम मारवाड़ी में तवी भी बोलते हैं। इसमें मालपुए, जलेबी, इसी में बनाए जाते हैं ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जो होती है वो। इसमें हम डालेंगे घी। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। बस जलेबी बनाने के लिए हमें ये फ्लैट जो होता है इसका सरफेस वो चाहिए होता है। जलेबी के गोल में मैं डाल रही हूँ 1 पिंच जितना येलो फूड कलर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें इसमें फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, जिससे इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। इस तरह का कलर डालना है हमें। फिर उसके बाद में हम इसे इस तरह की जो जलेबी बनाने की बॉटल आती है उसमें भर लेंगे। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप जो दूध लाते हैं वो वाली प्लास्टिक की थैली रहती है, उसे साइड में से काट के उसमें भी बना सकते हैं। अभी मैं इससे बना रही हूँ। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें जलेबी बना लेंगे। इस तरह से हमें एक एक गोल गोल घुमाते हुए जलेबी बनाते जाना है। उलट पलट के हम इन्हें दोनों तरह से तल लेंगे। इसे हमें क्रिस्पी होने तक तलना है। आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन कलर की हो रही है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
इस तरह से हमें इन्हें एकदम पूरा घी निकाल के और इन्हें चाशनी में डाल देना है। चाशनी में हम इन्हें अच्छे से डुबा देंगे। 2-3 मिनट तक हमें इन्हें डुबा के रखना है, फिर उसके बाद में हम इसे चाशनी से निकाल देंगे। ये हमारी एकदम क्रिस्पी टेस्टी जलेबी बन के तैयार है। अब हम इन्हें निकालकर एक प्लेट में ले लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है जलेबी। हमारी जलेबी फाफड़ा बनके तैयार है। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।